أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يسورة النساء دوسرة ركوع کی آیت تھی آیت المیراث ہے میراث کی آیت میراث کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی اس کا اصول بتایا ہے اس آیت کے اندر یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے فریضہ ہے نماز اللہ تعالیٰ کا روزہ جسے فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زکوٰۃ ہے حج ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرما فریضۃ من اللہ تلک حدود اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کی گئی ہے یہ چیز متعین کی گئی ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا فرض کے معنی ہوتے ہیں بالکل لازم کرنا متعین کرنا یعنی اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کہا ہے کہ اس کو تجاوز نہیں کر سکتے آپ تو ہم لوگ نماز کو فرض سمجھتے ہیں لیکن میراث کو فرض نہیں سمجھتے ہم کہ میراث میں کس کا کتنا حق ہے جس کے حصے میں جتنا آ گیا بس لے کے بیٹھ گیا سمجھا کہ غنیمت ہے مزہ آ گیا یہ انتہائی لا علمی اور جہالت اور نادانی اور نافرمانی ہے اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے اولاد میں وصیت کرتا ہے اللہ وصیت کہتے ہیں انتہائی اہم بات کو اہم نصیحت کو تو اس کو اللہ کی وصیت کہا ہے کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مرنے والا مرے گا اس کی جو اولاد ہوگی اولاد میں کچھ نرینہ اولاد ہے کچھ مادینہ اولاد ہے یعنی کچھ بیٹے ہیں کچھ بیٹیاں ہیں مرنے والے کی تو جائیداد تقسیم ایسے ہوگی کہ جو اس کے بیٹے ہیں تو دو بیٹیوں کا جتنا حصہ ہے وہ ایک بیٹے کا یعنی سمجھو بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا آدھا حصہ ہے
लेकिन उसका भी हिस्सा मुकर्रर है। जैसे किसी के दो लड़कियां हैं, एक लड़का है, अब उसने मीरास छोड़ी 4 लाख रुपया या 4 करोड़ मान लो, तो अब 2 लाख रुपये अगर 4 लाख है तो वो बच्चे के हैं और 1-1 लाख बच्चियों का है। जितने भी वो होगी पैसा कौड़ी सोना चांदी और प्लाट वगैरह सबको जोड़ लिया जाएगा, सबको जोड़ा जाएगा, जितना भी उसका कर्ज हटा करके जो उसका कर्ज अदा करना है वो कर्ज अदा किया जाएगा, जो कर्ज लेना है वो किसी से वो ले लिया जाएगा, फिर उसमें पूरा हिस्सा लगेगा। अब कोई हिस्सा नहीं देता है अपनी बहनों को, वो बाप की मिलकियत में भाई कब्जा कर लेते हैं और जो ज़्यादा वो बड़ा हो जाता है वो ज़्यादा ले लेता है। ऐसा नहीं है, भाई में तो सब में बराबर है और बहनों का भी हिस्सा है, उनके मुकाबले में आधा है। इसी हिसाब से आप चलते चले जाइए, जितने भी होगा सबके तकसीम हो जाएगी। 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, 6 लाख रुपये छोड़े तो 2 लाख रुपये कि आप तो बना रहे हिसाब, आप जितना बना दें हम उसका भी निकाल देंगे कि हमारे पास इतना पैसा है उसका भी निकल जाएगा, 1-1 रुपया निकल जाएगा, 1-1 रुपया 1-1 सिक्का सब निकलेगा, चाहे जितना माल हो कुछ भी आप बना सकते हैं कि हमारे पास इतना है, ज़रूरी नहीं है 6 हो 5 हो उसका भी निकाल देंगे। तो 2 लाख रुपया लड़के का निकलेगा और 1-1 लाख रुपया 4 लड़कियों को मिल जाएगा। तो लड़की का आधा हिस्सा है लेकिन है हिस्सा, हमारे यहाँ ये कहते हैं वो तो उसमें ले गई है जहेज में, तो ये तो करेगा नहीं चढ़ा है। एक तो जहेज ही गैर इस्लामी रस्म है और फिर आप मीरास को ख़त्म कर रहे हैं जो फ़र्ज है कि वो जहेज में ले गई, जहेज में दिया है वो अलग है, गिफ्ट दिया है उसने वो अलग है, वो इसमें नहीं जुड़ेगा मीरास में, मीरास में नहीं जुड़ता है वो, आपके लिए देना क्या, वो ससुराल में है, ससुराल में होने से कुछ नहीं होता है, बहन ससुराल में है कहीं की है, बेवा है, उसका दूसरा निकाह हुआ है, तीसरा हुआ है, कहीं की है, उससे कोई आप, उसका बेटा बहुत कमा रहा है, उसका भाई भी कमा रहा है, उसके शोहर कमा रहे हैं, उसके खुसर कमा रहे हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई बहस नहीं है, अल्लाह का फरीजा है, आपको उसके हाथ में देना है। ये बोल के वो तो हमें दे देगी वो अलग बात है, आपको उसे देना है पहुँचाना है, वो फिर दे दे गिफ्ट कर दे वो अलग बात है, ये मीर फ़र्ज है अल्लाह ताला की तरफ से, कोई अदा नहीं करता है इसको, कुरान का हुक्म है। जैसे नमाज में अल्लाह ने कुरान को कहा है कि नमाज कुरान में नमाज पढ़ो, ऐसे अल्लाह ने कहा है कि ये हिस्से दो। फैकुन्ना निसान, अगर किसी के लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं लड़के नहीं हैं, फोकस नतई 2 या 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उनको जो उनके बाप की है जायदाद, 2 लड़कियां हैं लड़के नहीं हैं उसके, या 2 से ज़्यादा 5 हैं 10 हैं 6 हैं 3 हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसकी मिल्कियत जितनी भी है उसका 2/3 2/3 2/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा 2/2 ये उनको मिल जाएगा, सब में तकसीम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 6 लाख रुपया है तो ये उसका तीसरा हिस्सा होता है 2 लाख, तो 2 यानी 2 2 लाख 4 लाख, 6 में से 4 लाख ये 2 सुलुस हुआ, 2/3 हिस्से हुए, तो ये 4 लाख है, ये 2 बेटियां हैं तो 2 2 लाख मिल जाएगा, और अगर 4 हैं तो 1-1 लाख मिल जाएगा, और जितनी है अगर 10 हैं तो 4 लाख में सब में बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा वो जितनी भी बेटियां हैं। फिर बाकी किसका मिलेगा, ये भाई तो है नहीं उनके, यानी बेटा नहीं मरने वाले के, फिर वो चचा को मिल सकता है, अगर यानी उसका मरने वाले का भाई है उसका मिल जाएगा, लेकिन बेटे मौजूद होंगे तो चचा को नहीं मिलेगा। हाँ बेटे नहीं है उसके, बेटियाँ ही बेटियाँ हैं तो 2/3 हिस्से वो मिलेंगे बेटियों को, 2 या 2 से ज़्यादा होंगी तो, और फिर बाकी वो चचा को मिल सकता है। जब बेटे मौजूद होंगे तो फिर चचा का कोई हिस्सा नहीं, भाई का कोई हिस्सा नहीं मरने वाले का भाई, जब बेटे मौजूद है तो, बेटियाँ ही बेटियाँ हैं तो फिर थोड़ा बहुत रह सकता है उसका, जो बचेगा वो रह सकता है।
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, अगर एक ही बेटी है, किसी के बेटा नहीं सिर्फ एक बेटी है, तो आधा आधी प्रॉपर्टी, 5 लाख में से 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख किसका चचा का हो सकता है, चचा में एक ही का नहीं होगा, जितने भाई होंगे फिर सबके तकसीम होगा बराबर बराबर उसके मरने वाले के। असल ये है कि जो मुकर्रर हिस्से हैं उनके बाद जो बचता है तो जो रिश्तेदार उसका बिल्कुल करीब तरीन है उसको मिलता है। जैसे अगर वो बाप हैं उनके तो बाप की मौजूदगी में फिर चचा को नहीं मिलेगा, बाप को मिल जाएगा सब, और अगर बाप वो हैं चचा हैं तो चचा को मिल जाएगा, भतीजा महरूम हो जाएगा, तो ऐसा है। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा सुदुसु मिम्मा तरक इन काना लहू वलद, अगर औलाद है और माँ बाप भी है, औलाद भी है माँ बाप भी है, तो माँ बाप का कितना हिस्सा, इतना हिस्सा है, 1/6 हिस्सा दोनों का, लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा सुदुसु, 1/6 हिस्सा, यानी 6 लाख में से 1 लाख बाप का, 1 लाख माँ का, और 4 लाख बचे ये उसकी औलाद में। औलाद में कैसे, मर्द को डबल हिस्सा और बच्चियों को सिंगल हिस्सा, ऐसे अगर औलाद। فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ, अगर औलाद नहीं है और माँ बाप मौजूद हैं, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, तो माँ बाप हैं और औलाद नहीं है, तो अगर दो लड़कियाँ थीं तो दो लड़कियों को मिल गया कितना हिस्सा, 2/3 हिस्सा, अभी बताया था हमने, और माँ बाप को मिल गया 1/6 हिस्सा, कितना मिल गया 1/6, क्योंकि औलाद बच्चियाँ भी औलाद समझी जाएंगी, तो 1/6 हिस्सा माँ बाप को मिलेगा, तो 6 लाख में से 2/3 हिस्सा कितना हुआ, 4 लाख, तो 4 लाख तो बच्चियों में तकसीम हो गया, और 1 लाख माँ को मिल गया, 1 लाख बाप को मिल गया, ख़त्म हो गया, पूरा पूरा हो गया, तो माँ बाप को मिल जाएगा। और अगर बच्चे भी हैं तो 4 लाख ही में से वो बच्चों को, नर को डबल और मादा को सिंगल, और 1 लाख माँ को, 1 लाख बाप को, बच्चे मौजूद हो चाहे बच्ची चाहे बच्चे, औलाद है तो फिर माँ बाप का 1/6 हिस्सा है। अच्छा साहब, فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, अगर औलाद नहीं है सिर्फ माँ बाप ही है, तो फिर माँ को सुलुस मिलेगा 1/3, बाप को 2 सुलुस मिलेगा, पूरा माँ बाप को मिल जाएगा, क्योंकि बाप मौजूद है तो चचा का हिस्सा नहीं है, जो करीब तरीन है उसका रिश्तेदार तो फिर उनको मिलेगा। हाँ, बेटों की मौजूदगी में बाप को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बेटा तो करीब है बाप को तो मिलेगा ही नहीं, माँ बाप है तो उनका 1/6 हिस्सा है, और अगर बेटे नहीं है तो फिर ये दोनों माँ बाप ही को मिल जाएगा, माँ को 1/3 हिस्सा और बाप को 2/3 हिस्से, ख़त्म। 3 लाख रुपया है तो माँ को वो 1 लाख रुपया और बाप को 2 लाख रुपया हो गया, चचा महरूम। हाँ, बाप माँ बाप भी नहीं है और बेटियाँ हैं सिर्फ, तो 2 बेटियाँ हैं, 2 से ज़्यादा बेटियों को 2/3 हिस्सा है, फिर चचा को मिलेगा, जब बाप मौजूद नहीं हो तो बाप ही का, ऐसा है। तो एक एक चीज़ इसमें बारीकी है, उस एक ही कुरान की आयत में सारी शक्लें मौजूद हैं, ये कुरान मजीद का एजाज है, इतने सफ़े में है, आप जितनी शक्लें हो सकती हैं सब इसी से इससे निकल जाएंगी, कुरान की आयत से इतना जमा कर दिया अल्लाह ने, इतने उससे बता दिए हैं। فَإِمْكَانَ لَوْ إِخْوَةٌ, अगर भाई है और माँ है, बाप नहीं है, बाप मर गया औलाद भी नहीं है, सिर्फ मरने वाले की माँ है मरने वाले के भाई हैं, तो فَإِمْكَانَ لَوْ, चचा भी भाई मौजूद है तो चचा को नहीं मिलेगा, किसको मिल जाएगा, भाई को, जो करीब तरीन है, करीब तरीन भाई में भाई करीब होता है, तो पहले तो भाई का नंबर आएगा, अगर औलाद नहीं है तो भाई का नंबर, चचा उसके बाद है, भाई अकरब मौजूद होता है तो ये महरूम कर देता है बाप को, तो बाप मौजूद है चचा महरूम, भाई मौजूद है तो भाई बिल्कुल 2 शाखों की तरीके से, चचा तो ऊपर की शाख है, तो इसलिए अगर भाई है और माँ है, उनके कई भाई हैं और माँ है, तो फिर क्या होगा, माँ को 1/6 हिस्सा मिलेगा, और जो 5 हिस्से हैं वो भाइयों में तकसीम हो जाएंगे। जी, फाइन कर लो इस,
अबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कौन ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने वाले हैं, सबका अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर कर रखा है। ये नहीं कि बेटे ज़्यादा होते हैं बाप कम होते हैं, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला जानता है कभी बाप से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाता है, बेटे से ज़्यादा बाप नफ़ा पहुँचा देता है, वो अल्लाह ताला ने सबका हिस्सा मुकर्रर किया है। इन अल्लाह का वाला तुम इसको मातारा का अजबाजुकुम, बीवियों का बताया है कि बीवियों का क्या है। वलकुम पहले तो शोहर का बताया कि अगर बीवी मर गई है तो शोहर को आधा मिलेगा, इल्लम यकुल लहु वलद, अगर उसके औलाद नहीं है, उसके बीवी के औलाद नहीं है, चाहे औलाद इस शोहर से हो चाहे दूसरे शोहर से हो, उसके औलाद नहीं है तो बीवी की जो प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा वो शोहर को मिल जाएगा। वलकुम इसमा तरक फ़ैनकाना लहुन्न वलदुन, अगर औलाद है बीवी के फलकुम रुबु, तो तुम्हें चौथा हिस्सा मिलेगा, चौथा हिस्सा शोहर को। फलकुम रुबु मिम्मा तरकना, जितनी प्रॉपर्टी छोड़ेगी वसीयत करने के बाद, वसीयत एक तिहाई में जायज़ है, यानी जो मरने वाला है उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसमें से वो एक तिहाई में वसीयत कर सकता है। मतलब जैसे 3 लाख रुपये 1 लाख में वो कह सकता है कि ये किसी को भी दे दिया जाए, जिसको वारिस नहीं है उनको दिला सकता है मदरसे में, बाकी 2 लाख में वो नहीं कर सकता, वो वारिस ही कहा हो गया है। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर देते हैं, मरने लगे तो कहने लगे सब मैंने बांट दिया, जायज़ नहीं होगा, गुनाह हो जाएगा। आप एक तिहाई हिस्सा बांट सकते हैं, बाकी 2 तिहाई आपके वरासा का हिस्सा है। अच्छा साहब जी, वलहुन्न रुबु, शोहर मर गया बीवी है और अगर तुम्हारे औलाद नहीं है इल्लम यकुन लकुम वलद, तो बीवी को चौथा हिस्सा है, औलाद है तो बीवी को 8वां हिस्सा, यानी मर्द के मुकाबले में आधा हो गया। वलहुन्न सुमुनु मिम्मा तरकतु, और वइन काना रजुलुन यूरसु कलालतन अव इमरातुन, अगर किसी आदमी के कोई वारिस ही नहीं है, कलाला है या औरत है उसके कोई वारिस नहीं है, वलहु अखुन अव उख्तुन, और उसके माँ शरीक भाई या बहन है, तो फिर माँ शरीक भाई बहन को वो छठा छठा मिलेगा। इसमें माँ शरीक है, बाप शरीक नहीं, बाप अलग है माँ एक है उनके, तो ऐसे भाई है तो उनको छठा छठा हिस्सा मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा है और माँ शरीक बहन भाई कई हैं तो फिर एक तिहाई में सब शरीक हो जाएंगे, और इसमें बराबर है, अगर माँ शरीक भाई बहनों का बराबर हिस्सा है अगर उसके कोई औलाद नहीं है और कोई वरासा नहीं है वसीयत के बाद। बहरहाल यहाँ अहम बात यह है कि मीरास में सब है, माँ बाप का भी हिस्सा है, बीवी का है। आप बताएंगे कि साहब मरने वाला मरा है, उसके बाप माँ बाप हैं, बीवी है और बच्चे हैं, तो अब जैसे फ़र्ज करो एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसके बीवी भी हैं, उसके बच्चे भी हैं, उसके माँ बाप भी हैं, तो अब कुरान मजीद ने बताया कि माँ बाप बीवी का हिस्सा कितना बताया है, अगर औलाद मौजूद हो तो 8वां हिस्सा है, तो 8 लाख रुपये में से 1 लाख रुपया किसको मिल जाएगा, ये बीवी को मिल जाएगा, और एक छठा छठा हिस्सा वो माँ बाप का है, तो कितना होगा छठा हिस्सा 8 लाख में से, 8 लाख में से छठा हिस्सा यानी उसका सुदुस कीजिए, 6 लाख में से 1 लाख, 2 लाख के 6 हिस्से बनाइए, हैं नहीं सवा से कुछ ज़्यादा होगा, 1 60 हाँ 1 लाख 60 नहीं 60 नहीं होगा, सवा से ज़्यादा, 4 5 20 40 भी लगाएंगे ना तो 5 हिस्से हो जाएंगे, तो उससे कुछ कम होगा, तो समझो 30 3 6 18 33 1.33 1,00,033 यानी 1,33,000 रुपये, ये हिस्सा 1,33,000 रुपये माँ का, 1,33,000 रुपये बाप का। अब जो बचा वो बच्चों में है, अगर नर है तो उसका डबल और मादा है तो सिंगल, और सब नर ही नर है तो सबके बराबर, तो ये है कुरान मजीद का हिस्सा। سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله نشهد ان لا اله الا الله
33 होगा, इसलिए कि 1 लाख में तिहाई हिस्सा होता है 33.33, तो 2 लाख में वो छठा हिस्सा हो जाएगा वही 33, 1,33,33। हाँ नहीं, हो गया ना 1,33,000। कल आप ही कल होना है ना। रोको, मिलो मलिन, चल जाएंगे सब।